हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये स्टार्ट किए थे एक न्यू टॉपिक कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स के अभी तक जितना हम लोग ने स्टडी किया उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग ने पढ़े थे कि व्हाट आर हैलोजन्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव्स इसको बोलते हो, उसके बाद वो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स थे उसके काफ़ी सारे टाइप्स थे। ठीक है, हम लोग ने वो टाइप्स पढ़े थे और आई पी एस सी भी सब कर लेंगे, जो कॉमन कंपाउंड्स थे उसकी आई पी एस सी भी स्टार्ट किए थे। ओके, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करनी रहती है, वही वो रिएक्शन एप्लीकेशन और सॉरी प्रिपरेशन रिएक्शन एंड एप्लीकेशन पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो जो लास्ट के दो टॉपिक्स थे तो वो दो टॉपिक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने आई यू पी एस सी कम्प्लीट कर ली उसकी और उसकी सारी क्लासिफिकेशन कम्प्लीट की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका मेजर टॉपिक है वो मेजर टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइलाइट्स। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसे, आर एक्स से, आपको ये क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, मतलब डी इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अभी ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कोई रिएक्टेंट यूज करोगे, दैट ए इज दैट डी रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में, दिस इज प्रोडक्ट, सी हमको पता है कि सी क्या है, ऑब्वियसली कैटलिस्ट है या रिएक्शन की कंडीशन है। ओके, तो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो रिएक्टेंट है वो रखे रखे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम अमाउंट ऑफ क्या बोलेंगे आप, कोई केमिकल्स आपको ऐड कर, ठीक है, जो केमिकल आप ऐड कर लो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में, उसको आप क्या बोलोगे, रिएजेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका डिजायर प्रोडक्ट है वो डिजायर आपको प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोडक्ट के बाद जो बचता है ऑब्वियसली जो हम लोग को साइड में मिलता है, ठीक है, जो क्या है, जो डिजायर तो नहीं थी जिसकी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि रिएक्शन के आउटकम से वो एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंडीशन चाहिए रहेगी या जो सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए रहेगा, दैट सूटेबल इन्वायरमेंट और जो रिएक्शन की कंडीशन है वो अचीव करने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज करते हैं वो क्या है, आपकी कैटलिस्ट। ठीक है, ओके, तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी प्रिपरेशन करनी है, रिएक्शन करनी है, मतलब जहाँ पे भी आपको क्या करना है, रिएक्शन वाला जो सीक्वेंस आएगा या जो रिएक्शन वाला पार्ट आएगा, तो आपको याद रखना है कि जो भी आप रिएक्टेंट को अगर आपको डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट क्या करेगा, स्पेसिफिक मैनर में आपके रिएक्टेंट से रिएक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशन विल बी, जो कंडीशंस है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय कैटलिस्ट। ठीक है, और जो क्या बोलेंगे, जो रिएक्शन का आउटकम हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द डिजायर प्रोडक्ट, उसको आप क्या बोल रहे हो, बाय प्रोडक्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर मुझे अल्काइल लाइट प्रिपेयर करनी, मतलब ये आपका जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ रिएक्टेंट चाहिए। तो अब आपको जो आपका जो क्या बोलेंगे टॉपिक है, ठीक है, अंडर आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको क्या दिए, मैं एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दिए, तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सी रिएक्टेंट में आप कौन सा रिएजेंट डालोगे और कौन सी कंडीशन होगी तो आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो फॉर्म होगा। एक बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा आपको रिएक्शन कैसा रहेगा,
कि अगर आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा जो क्या बोलेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो आपको क्या मिलेगा, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और आपको याद रखना है कि आपने वो जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से सब्सटेंस यूज करके फॉर्म किए थे, मतलब आपको रिएक्टेंट भी, रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपको रिएक्टेंट का थोड़ा भी आइडिया है तो आप रिएजेंट, मतलब अगर थोड़ा सा अगर आप याद रखोगे, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा वाला रिएक्टेंट यूज करता, सॉरी कौन सा वाला रिएजेंट यूज कर सकते, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला आपको क्या बोलेंगे रिएक्टेंट दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, आई बिलीव कि आपको अभी तक सारे फंक्शनल ग्रुप याद होंगे, ठीक है। अगर वो याद है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑब्वियसली ROH, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, आपके पास रिएक्टेंट है ROH, ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट क्या चाहिए, RX, ठीक है। ओके, तो आपका रिएक्टेंट इज अल्कोहल और ये क्या है, अल्काइलाइड। अल्कोहल को अल्काइलाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई रिएजेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपका जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, जो OH वाला पार्ट है, वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें X में, मतलब आपको कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जिस रिएजेंट के पास क्या रहना चाहिए, X रहना चाहिए, और उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये OH को इजीली क्या कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या है, HX, ठीक है। सिंपल था ये, क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि ये जो H है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, विल बी जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, H2O, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन था, आपने क्या किया, अल्कोहल को रिएक्ट किया किससे, HX, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एसिड्स, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, वो एसिड्स के साथ उसको ट्रीट करोगे, जो आपका आउटकम रहेगा ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, आपकी अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, वाटर। अभी ये तो हो गया आपका बेसिक रिएक्शन, अब बेसिक रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोई कंडीशन चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, आपके पास HX है, हम लोग को पता है कि X कितने टाइप के हैं, चार टाइप के हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे आपका जो HX है वो भी कौन कौन सा हो सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकती है और HI हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये रिएक्शन देखोगे तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आपकी जो एसिड्स है वो एसिड्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स विद अल्कोहल, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो एसिड्स है ये एसिड की स्ट्रेंथ देखनी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, HI की है, देन HBr, देन HCl, और लीस्ट किसकी है, HA की। अब ये बहुत ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ क्या रहेगी, ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी या ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी, रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या बोलेंगे, जो कंडीशंस है वो कंडीशंस नहीं रहेंगी, ठीक है। मतलब अगर मुझे क्या करना है, ये तीनों के साथ रिएक्ट करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए रहेगी, एक सुटेबल कंडीशन या एक सुटेबल एनवायरमेंट या एक सुटेबल कैटलिस्ट, ठीक है। लेकिन HI के साथ ट्रीट करने के लिए आपको कोई भी कैटलिस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट, और हम लोग पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो व्हाई नॉट, बिकॉज अल्काइल फ्लोराइड्स के साथ जो मतलब सॉरी जो अल्काइल फ्लोराइड्स होती है वो कैसे हैं, वो ज़्यादा टॉक्सिक है, और अगर आप ज़्यादा डायरेक्टली HF को रिएक्ट करते हो तो HF क्या है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब रिएक्शन विल बी जो फेवरेबल नहीं, ठीक है। ओके, तो मतलब पूरे जो चैप्टर है वो चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को HF के साथ रिएक्शन करना ही है, बचे कौन, HCl, HBr और HI। तो ये वाला रिएक्शन कर देते हैं। अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट करूं HCl के साथ, ठीक है, तो इसके लिए जो क्या बोलेंगे आपको कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन क्या है, जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड और HCl, इसको आप बोल रहे हो न्यूक्लियर रिएजेंट,
क्या है, ग्लूकास्टेज। ठीक है, अभी ये सिंपली है, आपको क्या करना है, ये OH को हटा के इसकी जगह पे सी एल, दिस विल बी आर सी एल प्लस एच टू ओ। ठीक है, आपको क्या मिली, अल्काइल क्लोराइड। ओके, थोड़े से ठीक है, पहले दोनों कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, आर ओ एच प्लस एच बी आर, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आप इसके साथ भी रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, एक सुटेबल इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एन ए बी आर प्लस एच टू एस ओ फोर, कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर। ठीक है, ठीक है, इससे मिक्सचर का कोई नाम नहीं है। ओके, आप क्या करोगे, अगेन दिस विल बी आर बी आर प्लस एच टू ओ। और हम लोग क्या कर रहे थे कि एच आई क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको रिएक्ट कर सकते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ से, आर आई प्लस एच टू। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ। तो हम लोग ने क्या पढ़े कि पहली जो आपको प्रिपरेशन करनी है, वो फर्स्ट प्रिपरेशन आप किसके साथ कर रहे हो, अल्कोहल्स के साथ कर रहे हो। ठीक है, अल्कोहल को अल्काइल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करना है, हैलोजन हैलाइड्स के साथ, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। ठीक है, ओके, तो हाँ, बेस्ड ऑन जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन हैलाइड्स की, तो हम लोग ने क्या किया, उसको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में प्लेस किए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाज अल्कोहल, आपके पास कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इसके लिए जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके लिए आपको क्या लगेगा, कोई भी कैटलिस्ट नहीं लगेगा, बाकी जो दो है उसके साथ आपको क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। ओके, अगर मैं अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, जो आपका जो क्या बोलेंगे, कैटलिटिक कंडीशन, दैट कंडीशन इज आपको क्या करना है, जिंक क्लोराइड को मिक्स करना है किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास्टेज। प्रोडक्ट क्या है आपका, जो अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो एच बी आर है, एच बी आर के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पिंच ऑफ एन ए बी आर इन कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगी जो डिजायर रिएक्शन है वो। ठीक है, और एच आई के साथ आपको क्या बोलेंगे, विदाउट कैटलिस्ट भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में एक भी एग्जाम्पल्स नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग सम अमाउंट ऑफ जो क्या बोलेंगे, जो सिंपल एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कर लेते हैं। वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन
जबरदस्ती आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको जो IUPAC है वो बहुत अच्छे से आती है, तो आप इतना कर सकते हो कि आपके जितने भी रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है वो सबके अगर आप नाम लिख दोगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा देन जो आपका क्या बोलेंगे पूरी जो आप रिएक्शन है उसको स्टेटमेंट में लिखोगे। ठीक है, तो बेटर ये अगर याद रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक है वो उसको स्टेटमेंट में लिखने में उसमें तो टाइम भी जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता भी नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपको क्या करना है, किसी को इम्प्रेस करना है या टीचर को इम्प्रेस करना है ऑब्वियसली, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसको क्या करोगे, आप नेम करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर आपको उसका जनरल नाम आता है तो आप उसका जनरल नाम लिख सकते हो, या अगर आपको IUPAC ज़्यादा फेवरेबल लगती है तो आप उसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ गलत नाम मत लिखना। तो हम लोग को बताया दिस इज इथेनॉल और ये क्या है, इथाइल फ्लोराइड। दिस इज थोड़ा क्या बोलेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, तो उसके लिए ठीक है, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स स्टिल ओके। अगर आपको जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को देखकर इतना समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी जो अल्कोहल है वो अल्कोहल में कितने भी कार्बन हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, आपको सिर्फ क्या करना है, पूरे रिएक्शन में से सिर्फ जहाँ पे आपका OH ग्रुप है वो OH को हटा के उसकी जगह पे क्या करना है, जो CL है उसको पुट करना है। ठीक है, आपकी जो चेन है वो चेन में कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, पूरी चेन में से सिर्फ आपको ट्रेस करना है किसको, OH को, पूरा जो रिएक्शन है आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन दैट पर्टिकुलर OH ओनली। ठीक है, आपको सिर्फ OH को हटाना है, उसकी जगह पे CL डालना है, बाकी किसी को भी कहीं पर भी टच नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिंपल था। अगर चलो इसको CL कोई और फंक्शन कौन सा, ठीक ओके, अगर मुझे ठीक है इसके साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिएक्शन के बाद ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट है लेट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, BR के साथ, तो मुझे क्या चाहिए, NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, पूरे रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, BR से, प्रोडक्ट विल बी CH3CH3CH3। ओके, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को नेम करना है। ठीक है, तो नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप इसका नाम करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, दिस विल बी 3-methyl-butane-2-ol बराबर है। ठीक है, 1 2 3, पहले आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो दिस विल बी 3-methyl-butane-2-ol अगर आप इसका नाम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, दो अलग अलग टाइप के सब्सिट्यूएंट है, तो जब दो अलग अलग टाइप के सब्सिट्यूएंट रहेंगे तो आपको नेमिंग के लिए क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, देन मिथाइल, तो दिस विल बी लाइक 2-bromo-3-methyl-butane। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन था, हम लोग ने क्या किए, ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि आपका पूरे रिएक्शन का जो सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर क्या है, OH ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, पूरे रिएक्शन में से अल्कोहल वाला जो ग्रुप है या जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करना है, डिजायर आपका जो CL है, BR है या IL है उसके साथ। ठीक है, तो ये वाला सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अल्कोहल के अंदर में आपको क्या बोलेंगे,
दो रिएजेंट दिए थे, ठीक है। हम लोग ने अभी क्या यूज किया, हम लोग जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। वो रिएक्टेंट को आपको डिजायर अल्काइल लाइट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के लिए हम लोग ने पहला जो क्या बोलेंगे रिएजेंट यूज किए थे, वो रिएजेंट क्या था, HX, ठीक है। अभी आपको अल्कोहल ही यूज करनी है, लेकिन अल्कोहल के साथ आपका जो रिएजेंट है वो रिएजेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो वो जो रिएजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है, अल्कोहल, और जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो, अब वो रिएजेंट आपका क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के आपके पास क्या बोलेंगे, दो एग्जांपल्स है, एक है PX3 और एक है PX5, ठीक है। हम लोग एक बार क्या करेंगे, ये जो PX3 है या फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है, ये ट्राइहैलाइड को एक बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे और एक बार पेंटाहैलाइड के साथ अभी जो अल्कोहल है उसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं विद PX3, ठीक है। तो आपको क्या है आपके पास ROH, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको रिएक्ट करना है PX3 के साथ, एकदम सिंपल रिएक्शन है। ऑब्वियसली आपको फॉर्म क्या करना है, जो फॉर्म करना था वही फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म करना था, RH फॉर्म करना था, तो ऑब्वियसली RH ही फॉर्म भी होगा, ठीक है। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे स्टोकियोमेट्री देखोगे तो स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या है, 3X है। तो मतलब आपको R भी कितने चाहिए, 3R चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, ये X और R ये कंज्यूम हो गया पूरा, आपके पास क्या बचा है, 3O, 3H और 1P। आपको सबको मिला के कंपाउंड बनाना है, दैट इज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ठीक है, रिएक्शन इतना ही था। तो आपके पास क्या है, आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल को आपने रिएक्ट किया किसके साथ, PX3 के साथ, दैट PX3 इज फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। ये ट्राइहैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 moles ऑफ जो कि अल्काइल हैलाइड है, डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड, वोल्काइल हैलाइड प्लस फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ऑब्वियसली अगर HCl PO4 होता तो आपको क्या, जो क्या बोलेंगे, जो एसिड होता उसको आप बोलते हो फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, H3PO3 है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, सिंपल। एक बात और कि अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे X की जगह पे आप HCl यूज कर सकते हो, सॉरी PCl3 यूज कर सकते हो, PBr3 यूज कर सकते हो, Bi3 यूज कर सकते हो, लेकिन आप जो भी यूज करोगे आपका जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका एक रिएक्शन है, आप रिएक्शन के लिए अगर एक बाय प्रोडक्ट याद कर लेते हो, ठीक है, तो चाहे आपका रिएक्टेंट मतलब अल्कोहल में ही अगर आपकी रिएक्टेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन वो रहनी चाहिए अल्कोहल, और अगर आपका जो रिएजेंट है वो भी चेंज, वो चेंज कैसे होगा, उसमें जो हैलोजन अगर वो भी चेंज हो रहा है तो भी आपका जो क्या बोलेंगे बाय प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप PX3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो अल्कोहल का, तो आपको बाय प्रोडक्ट विल बी H3PO3 होगी, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं हमें PX5। ओके, PX3 के लिए आपके पास PCl3 अवेलेबल है, PBr3 अवेलेबल है और PI3 भी अवेलेबल है, लेकिन PX5 या पेंटाहैलाइड के लिए PCl5 के अलावा बाकी कोई भी क्या बोलेंगे नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मतलब PX5 के अंडर में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, और दैट एग्जाम्पल इज PCl5 ओनली, ठीक है। मतलब फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में आपके पास सिर्फ क्या है, PCl5। हम लोगों की रिएक्शन सिर्फ किसके साथ करनी है, PCl5 के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अल्कोहल, ठीक है। आपको क्या चाहिए, PCl5 के साथ उसका रिएक्शन। ऑब्वियसली जो क्या बोलेंगे आपका आउटकम है, वो आउटकम क्या होगा, जो चाहिए था वो क्या चाहिए, RCl, ठीक है।
ओके अब क्या क्या बचा है आपके पास, तो आपके पास क्या बचा है, एक एच और एक सी एल भी हो सकता है, दिस विल बी लाइक एच सी एल, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास पी बचे हैं, तीन सी एल और एक ओ, सुबह मिला देते हैं, आपको मिला पी ओ सी एल थ्री, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ओके तो ये था आपका क्या बनेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास है अल्कोहल, वो अल्कोहल को आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब अल्काइल हैलाइड चाहिए थी तो अल्काइल हैलाइड मिल गई RX या RCl, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिला आपको, एक एच और एक सी एल, ठीक है। और जो भी क्या बनेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट था हम लोग ने सबको मिला के एक कंपाउंड बनाया, दैट कंपाउंड इज POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। सिंपल रिएक्शन था। अभी फिर से हम लोग को क्या कर रहे हैं, अगर आपको इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है तो फिर से आपको याद रखना है कि जो पूरा जो रिएक्शन सेंटर है, वो रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्या है आपका OH ग्रुप, ठीक है। आपके अल्कोहल में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो, कितनी भी ब्रांचिंग हो, आपको सिर्फ जो फोकस है, जो पूरा रिएक्शन है वो कहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट होगा, ऑन OH, ठीक है, या वो कार्बन जो कनेक्टेड है OH, ठीक है, आपको सिर्फ OH पर डालना है और जो भी आपका हैलाइड वो हैलाइड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। क्या करें, इसका रिएक्शन कर लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं दोनों के लिए। अगर आपको क्या बोलेंगे स्टेटमेंट में रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे लेट इन केस कि आपको प्रिपेयर करनी है, क्या प्रिपेयर करेंगे, 2-bromo-propane, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है, सो द रिएक्शन सॉरी द क्वेश्चन विल बी लाइक कि प्रिपेयर 2-bromo-butane और प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, 2-bromo-propane यूजिंग यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन है, आपको रिएक्शन में दिया हुआ है कि प्रिपेयर करो, क्या प्रिपेयर करना है आपको, 2-bromo-propane, ठीक है। और आपको बताया कि आपको प्रिपेयर करना है, किसे प्रिपेयर करना है, PBr3, ठीक है, आपको प्रिपेयर करनी है 2-bromo-propane, और प्रिपेयर करने के लिए जो आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, PBr3, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा बताने के बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल रहता है, आपको जो भी प्रोडक्ट दिया है आप पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर आपके पास क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है मतलब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबली 3 कार्बन, और आपको सेकेंड पे क्या चाहिए, 1-bromo-group, तो दिस विल बी लाइक यहाँ पे ब्रोमो आ गया, बाकी उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब आपको क्या करना है, ये फॉर्म करना है, ठीक है। ये फॉर्म करने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको किससे फॉर्म करना है, PBr3 के साथ, तो मतलब यहाँ पे आपके रिएक्शन में क्या है, PBr3 भी है। हम लोग को पता है कि अगर आप क्या करते हो, ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हो, तो ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन में जो मेजर आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, ऑब्वियसली अल्कोहल है, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ। अभी तक हम लोग ने जितना पढ़े, हम लोग ने क्या पढ़े कि आपको सिर्फ क्या करना है, जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करना है, जो भी आपकी हैलाइड है उससे, तो रिएक्शन को बस क्या करना है, आपको उल्टा करना है, यहाँ पे आपके पास हैलाइड पहले से अटैच्ड है, ठीक है। तो आपको जो रिएक्टेंट होगा, ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट में क्या होगा, जिस पोजीशन पे यहाँ पे हैलाइड है उस पोजीशन पे वहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, मतलब
क्या रहेगा आपका, रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, आपको रिएक्टेंट ये भी नहीं था, आपको क्या दिया हुआ था कि आपको क्या करना है, एक क्या बोलेंगे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करनी है, और वो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए आपको रिएजेंट गिवन है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किए, बैक रिएक्शन करके आपको सिर्फ याद रखना है कि जो रिएजेंट था, ठीक है, वो रिएजेंट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या करना था, सिर्फ जो बी आर है वो बी आर की पोजिशन को हम लोग ने क्या बोलेंगे, वो बी आर की पोजीशन पे हम लोग ने एक जो ओ एच ग्रुप था वो ओ एच ग्रुप को अटैच कर दिया। क्योंकि हम लोग को पता है कि रिएक्शन के सेंटर में सिर्फ क्या होता है, जो रिएक्शन का सेंटर है वो ओ एच ग्रुप है, ठीक है। और आपको आउटकम पता है इसका, एच थ्री पी ओ थ्री। स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, सॉरी ये तीन चाहिए, तो ये भी तीन मिलेगा, सिंपल रिएक्शन। समझ में आ गया ना, एक बार और बोलूँ क्या, समझ गया होगा ना, करना था और आपकी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करनी थी, और हम लोग को एक और रिएजेंट दिया हुआ है जो हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। दैट रिएजेंट इज थायमिन क्लोराइड। मतलब अगेन आपके पास क्या है, आपका रिएक्टेंट इज आर ओ एच अल्कोहल, और आपका जो रिएजेंट है वो है थायमिल क्लोराइड। थायमिल क्लोराइड का फॉर्मूला इज एस ओ सी एल टू, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, फिर से अल्कोहल को रिएक्ट करना पड़ेगा थायमिल क्लोराइड के साथ। जो अनरिएक्टेड आपका बचा हुआ रिएक्टिव का रिएजेंट है वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके वो क्या बोलेंगे, जो बाय प्रोडक्ट है वो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो एक वो एक क्या भी अच्छी बात है ये रिएक्शन की, एक सिंपल रिएक्शन है, इसकी और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, लेट SOCl2 के साथ रिएक्ट करना है।
आपकी रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये जो सी क्या बोलेंगे ओ एच ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा सी एल से, सी एच की सी एच सी एच बराबर है। सिंपल था, आपको क्या करना है, आपको क्या बोलेंगे जो नेम ठीक है वो नेमिंग करनी है, वो नेमिंग मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको रिएक्शन के बाद उसकी नेमिंग कर लेंगे ठीक है। ओके तो होपफुली अभी तक जितना हम लोग ने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिलगाइल हैलाइट पढ़े थे ठीक है। प्रिपरेशन के लिए आपको जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट आपको क्या दिया हुआ था, अल्कोहल ठीक है। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़े कि आपके पास क्या है, तीन रिएजेंट है ठीक है। तीन रिएजेंट कौन कौन से पढ़े हम लोग ने, एच एक्स पढ़े ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स, देन हम लोग ने क्या पढ़े फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर में भी आपके पास दो थे, एक पी एक्स थ्री और एक पी एक्स फाइव। देन हम लोग ने लास्ट में क्या पढ़े, जो थर्ड रिएजेंट है वो क्या है आपका, थायमिन क्लोराइड एसोसिएट ग्रुप ठीक है। अगर आपको जो ये बेसिक वाली रिएक्शन है ठीक है, अगर ये आपको जनरल रिएक्शन याद रहती है तो आपको कोई भी, आप कोई भी रिएक्शन मतलब इजीली क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो एट दी एंड आपको याद रखना है जो चीज़ वो क्या है कि आपकी जो जनरल रिएक्शन है सारी, वो सारी वाली जनरल रिएक्शन आपको याद रखना ठीक है। ओके बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।